सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मी अपडेट्स में। तो गाइज, जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा, हाल ही में कोटा फैक्ट्री के सीजन 3 के टीजर को रिलीज कर दिया गया है और यह एक अनाउंसमेंट वीडियो था जिसके अंदर कोटा फैक्ट्री के सीजन 3 के आने के बारे में बताया है। और इस वीडियो को रिलीज किया था नेटफ्लिक्स वालों ने, पर इस वीडियो के अंदर इसके रिलीज डेट को मेंशन नहीं किया गया था। तो आज मैं आप सभी को कोटा फैक्ट्री के सीजन 3 के रिलीज डेट के बारे में बताने वाला हूं। तो बस आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल फिल्म अपडेट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, मैंने कुछ दिन पहले ही आप सभी को एक वीडियो बना के बताया था कि कोटा फैक्ट्री के सीजन 3 के शूटिंग के वर्क को कंप्लीट कर दिया गया है। ये सीरीज अभी पोस्ट प्रोडक्शन में है, और जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ। आप सभी लोगों ने देखा ही कि 55 सेकंड का एक छोटा सा टीजर नेटफ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब के अंदर रिलीज किया, जिसके अंदर उसके कहानी के थोड़े कंसेप्ट को दिखाया गया है, पर कहीं दूर दूर तक इस वीडियो के अंदर इसके रिलीज डेट का मेंशन नहीं किया गया है, जिसके बाद काफी सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कोटा फैक्ट्री का सीजन 3 कब रिलीज होगा। तो मैं आप सभी को आज के इस वीडियो के अंदर वही बताने वाला हूं। चलिए अब बात करते हैं आखिरकार इसका सीजन 3 कब देखने को मिलेगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, सीजन 3 के पोस्ट प्रोडक्शन के ऊपर अभी भी काम चल रहा है। हम लोगों को ये सीरीज देखने के लिए अब बस 2 से 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ, जून या फिर जुलाई के महीने में हम सभी को कोटा फैक्ट्री का सीजन 3 देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी लोग इंतजार कर रहे हैं इसके सीजन 3 का, तो बस और कुछ महीना आप सभी लोगों को इंतजार करना है, देन उसके बाद फाइनली हम सभी को नेटफ्लिक्स के अंदर ये सीरीज देखने को मिल जाएगा। वैसे तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके सीजन 3 को देखने के लिए। आप लोग कितने एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में एक बार हमें जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।